पेंट मेथड ऑफ विंडो क्लास। आज विंडो क्लास के हम एक स्पेशल मेथड पढ़ने वाले, दैट इज पेंट मेथड। तो पेंट मेथड किस पर्पज के लिए होता है और कैसे यूज करते हैं हम देखेंगे। ओके, पेंट मेथड का प्रोटोटाइप देखिए, पब्लिक वाइड पेंट। इसमें पैरामीटर क्या है, ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट। द मेथड पेंट गिव्स अस एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ग्राफिक्स क्लास। ग्राफिक्स क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ना, उसे एक्सेस करने के लिए हमें क्या है, पेंट मेथड यूज करना पड़ता है। यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्राफिक्स क्लास, वी कैन कॉल द ड्रॉस्ट्रिंग मेथड ऑफ ग्राफिक्स क्लास टू राइट टेक डाटा। अगर नहीं हमें टेक डाटा लिखना होगा तो कौन से ग्राफिक्स क्लास में से कौन से मेथड यूज करना पड़ेगा, ड्रॉस्ट्रिंग। तो हमने के पेंट मेथड से क्या हमें ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो दैट नहीं कि हम क्या ग्राफिक्स क्लास का कौन सी मेथड का कर सकते हैं, ड्रॉस्ट्रिंग मेथड। और ड्रॉस्ट्रिंग मेथड किस पर्पज के लिए होता है, टू राइट टेक्स्ट मैसेजेस। इफ यू वांट टू यूज ग्राफिक्स क्लास प्रॉपर्टीज ऑन सेम, देन वी हैव टू ओवरराइड द पेंट मेथड। अगर हमें ग्राफिक्स क्लास की प्रॉपर्टीज हमें यूज करना है फ्रेम पे, देन वी हैव टू क्या करना पड़ेगा, पेंट मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो देखिए, क्योंकि हम जैसे पेंट मेथड को ओवरराइड कर लेते हैं तो हमें क्या ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो ग्राफिक्स क्लास के ऑब्जेक्ट पे हम लिखे ग्राफिक्स क्लास के सभी मेथड को कॉल कर सकते हैं, जैसे ड्रॉ रेक्टिंग, ड्रॉ रेक्टेंगल, ड्रॉ लाइन। इस तरह से हम लिखे प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं ग्राफिक्स क्लास का। हो गया हमारे फ्रेम क्लास। फ्रेम क्लास किसका चाइल्ड क्लास है, विंडो क्लास का। विंडो इज द चाइल्ड क्लास ऑफ कंटेनर क्लास, एंड कंटेनर इज द चाइल्ड क्लास ऑफ कंपोनेंट का। और हमारी पेंट मेथड कौन से, विंडो क्लास में, और विंडो क्लास का चाइल्ड क्लास कौन सा है, फ्रेम। तो अभी हम लिखे इस फ्रेम का यूजर डिफाइंड फ्रेम क्रिएट करेंगे, और उस यूजर डिफाइंड फ्रेम में हम क्या करेंगे, पेंट मेथड को ओवरराइड करेंगे। ओके, तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए, मैं एक लिस्ट ओपन कर लेता हूँ, क्लिक ऑन फाइल न्यू। ओके, देन सिलेक्ट जावा प्रोजेक्ट, देन प्रोवाइड द प्रोजेक्ट नेम, दैट इज AWT, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन फिनिश बटन। इससे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। देन राइट क्लिक ऑन SRC, देन सिलेक्ट क्लास। तो यहाँ पे मैं पैकेज नेम प्रोवाइड कर देता हूँ, com.utamsoft.awt, और क्लास नेम प्रोवाइड कर लेते हैं ग्राफिक्स डेमो। देन आई नीड अ मेन मेथड, यहाँ पे क्लिक कीजिए मेन क्लोज। तो इस तरह से हमारा नहीं क्या हो जाएगा, यूजर डिफाइंड फ्रेम क्लास हो जाएगा। तो यूजर डिफाइंड फ्रेम करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड फ्रेम। ओके, तो इस तरह से ये हो गया हमारा यूजर डिफाइंड फ्रेम क्लास, कौन सा, ग्राफिक डेमो। ओके, तो यूजर डिफाइंड फ्रेम है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, देखिए जो हमारा कंस्ट्रक्टर है ना, फ्रेम तो बाय डिफॉल्ट विजिबल नहीं होता है, तो क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट सेट विजिबल मेथड कॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पे पैरामीटर पास करना पड़ेगा ट्रू। ओके, देन मैं फ्रेम को लेके क्या कर लेता हूँ, साइज भी प्रोवाइड कर लेता हूँ, सेट साइज मेथड कॉल कर दी, और मैं यहाँ पे विड्थ प्रोवाइड करता हूँ 600 एंड हाइट प्रोवाइड करता हूँ 500। ओके, देन हो जाने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, विजिबल भी हो गया। देन मैंने क्या, इस फ्रेम को टाइटल भी प्रोवाइड कर देता हूँ, दिस डॉट सेट टाइटल मेथड कॉल करके, और यहाँ पे टाइटल देते थे ग्राफिक्स क्लास, ग्राफिक डेमो। ठीक है, ग्राफिक डेमो। ओके, तो इस तरह से हमने टाइटल भी प्रोवाइड कर दिया। देन हम क्या कर लेते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसलिए कौन सी मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा, पेंट मेथड। तो मैं यहाँ पे पेंट कर देता हूँ और कंट्रोल स्पेस बार। तो इस तरह से हमने क्या कर लेते हैं, पेंट मेथड को ओवरराइड कर लिया। देखिए, यहाँ पे ओवरराइड करके भी आ गया। देन मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे करते हैं। तो अभी हमें क्या, ग्राफिक्स क्लास का तो ऑब्जेक्ट आ गया है। तो देखिए, अभी क्या कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे फर्स्टली जी डॉट कौन सी मेथड कॉल करो, ड्रॉ स्ट्रिंग। ठीक है, ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड कॉल कर लेते हैं, ड्रॉ स्ट्रिंग। इस तरह से, तो यार ड्रॉ स्ट्रिंग पे क्या, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पास करना पड़ेगा, बस जो भी हमें स्ट्रिंग ड्रॉ करना है फ्रेम पे वो प्रोवाइड करना है। तो मैं आपको क्या कर लेता हूँ, देखिए स्ट्रिंग क्या राइट होना चाहिए, जिसमें होना चाहिए वेलकम टू उत्तम सॉ। ओके, और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पास करता हूँ 50 50। ओके, 50 एंड देन 50। ओके, तो ये हो गया हमारा पेंट मेथड। इस तरह से हम ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट, मतलब ग्राफिक्स क्लास की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं यूजिंग ओवरराइडिंग द पेंट मेथड। देन देखिए, जो मैं यूजर डिफाइंड फ्रेम क्लास से उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, और उसका ये ग्राफिक्स डेमो। ओके, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ GD न्यू ग्राफिक्स डेमो। ओके, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। यहाँ पे हम प्रोग्राम को क्या सेव कर लेते हैं, प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखिए वेलकम टू उत्तम सॉफ्ट आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लेके क्या कर सकते हैं, मतलब हमारी जो फ्रेम है ना, उस पर लेके डाटा डिस्प्ले कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, हमारे फ्रेम जो है
इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेथड कॉल कर लेता हूँ दिस डॉट सेट बैकग्राउंड मेथड कॉल कर लेते हैं, ओके। और यहाँ पे मैं क्या कलर डॉट येलो कर लेते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, तो सो देट आपको समझ में मिले। और देन इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे ठीक है वेलकम टू ओपन सॉफ्ट, इस तरह से हमें क्या क्या हो जाएगा, मतलब हमारा टेक्स्ट नहीं क्या हमारे फ्रेम पे फिट हो जाएगा, और ये ग्राफिक डेमो क्या है हमारा फ्रेम के टाइटल हो गया। इस तरह से हम ले क्या क्या कर सकते हैं, जो ग्राफिक्स के डेमो मतलब प्रॉपर्टीज है ना, तो जो हमें के पेंट मेथड से लेके ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ग्राफिक्स क्लास से ऑब्जेक्ट हमें क्या ग्राफिक्स क्लास के सभी प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे जी डॉट ने क्या मैं कौन सी मेथड कॉल कर लेता हूँ, ड्रॉ रेक्ट मेथड कॉल कर लेता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट पास करना है 50, मैं एक्स कोऑर्डिनेट 50 पास कर दिया, वाई कोऑर्डिनेट एंड विड्थ पास करता हूँ क्या 80 एंड 40, ओके। तो इस तरह से मैं विड्थ एंड विड्थ पास कर दिया। तो देखिए मैं इस प्रोग्राम हो जाने के बाद मैं इसको रन करता हूँ, और यहाँ पे रन करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल ड्रा हो गया है हमारे फ्रेम पे, ओके। देन हमने क्या फिल रेक्टेंगल भी कॉल कर सकते, तो क्या जी ड्रॉट कौन सी मेथड कॉल, फिल रेक्टेंगल, ठीक है फिल रेक्टेंगल, फिल रेक्टेंगल मेथड कॉल कीजिए, और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पास करते 200 पास कर लेते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट हम पास कर लेते 70 कर देते हैं, और विड्थ एंड हाइट पास करते 80, ओके, एंड देन क्या हाइट पास कर लेते 40। इस तरह से हमने क्या क्या कर लेते हैं, तो रेक्टेंगल फिल रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे, ओके। तो देखिए मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ, एंड देन क्या देखिए इसको, तो देखिए यहाँ पे नहीं क्या फिल रेक्टेंगल, जो भी नहीं ग्राफिक्स का बाय डिफॉल्ट कलर होगा उस कलर से यहाँ पे नहीं क्या फिल रेक्टेंगल आ गया है, ओके। देन हमने क्या ओवल भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैं अभी आपको शो कर देता हूँ, जी डॉट कौन सी मेथड कॉल करना पड़ेगा, ड्रॉ ओवल, ठीक है ड्रॉ ओवल, इस तरह से मेथड कॉल कर दिया, एक्स कोऑर्डिनेट पास कर लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट इज 20 एंड देन वाई कोऑर्डिनेट इज 120 करते हैं, ठीक है 120, वाई कोऑर्डिनेट इज 120, और विड्थ एंड हाइट पास कर लेते हैं 80 40 80, फिल ओवल, ठीक है फिल ओवल मेथड कॉल करना पड़ेगा, फिल चाहिए थे। तो देखिए अभी हम क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पास कर लेता हूँ 120, देन वाई कोऑर्डिनेट भी 120 कर देते, वाई कोऑर्डिनेट 120, और विड्थ दे देते 80 और हाइट दे देते 40। इस तरह से हमने क्या फिल ओवल भी ड्रा कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट मैं लास्ट प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ, जैसे ड्रॉ लाइन, ठीक है ड्रॉ लाइन मेथड कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं क्या हमें क्या पास करना पड़ता है x1 y1 x2 y2, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 300, देन वाई कोऑर्डिनेट कर लेते हैं वाई कोऑर्डिनेट 200 250, और यहाँ पे करेंगे y2 क्या करेंगे 250। तो इस तरह से हमने सभी कोऑर्डिनेट पास कर दिए, तो इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, देन रन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो देखिए दोस्तों आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ पे फर्स्ट लेने के टेक्स्ट डिस्प्ले हुआ, हाँ उनसे जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड कॉल करके, देन ने क्या जी डॉट ड्रॉ रेक्टेंगल कॉल किया, तो देखिए एम्प्टी रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ हो गया, देन ने क्या फिल रेक्टेंगल कॉल किया, तो यहाँ पे फिल रेक्टेंगल, जो भी नहीं क्या बाय डिफॉल्ट जो हमारे ग्राफिक्स के ऑब्जेक्ट जो भी कलर सेट होगा डिफॉल्ट, उससे हमें फिल्ड हो गया हमें रेक्टेंगल ड्रॉ होगा, देन ने क्या जी डॉट ड्रॉ ओवल, तो यहाँ पे ओवल ड्रॉ हो गया, और ये फिल ओवल मेथड कॉल किया तो फिल ओवल जो भी हमारा ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट के लिए जो बाय डिफॉल्ट कलर सेट हो रहा हो, और यहाँ पे हमें ड्रॉ लाइन, तो x1 y1 और x2 y2 हमने पॉइंट पास किए थे, तो पास करने पर यहाँ पे क्या हमारे क्या हो गया लाइन ड्रॉ हो गया। तो इस तरह से हमने क्या ग्राफिक्स की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं बाय ओवरराइडिंग द पेंट मेथड।